हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग विज्ञान की प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें 1500 से 2000 के आसपास क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही थी, उसको कंटिन्यू करते हैं। आज प्रकाश से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उसको हमने बनाकर लाया है। तो आज देखते हैं प्रकाश से संबंधित सारे प्रश्नों को। ठीक है, तो हम कुछ नोट्स बनाया है हमने पहले प्रकाश का, तो देखते हैं। प्रकाश जो है आपको विद्युत या उष्मा की तरह ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश भी आपको जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, जिसे हम लोग हिंदी में विद्युत ऊर्जा कहते हैं, आपको उष्मा ऊर्जा होता है, जिसे हम लोग हीट एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, उसी तरीके से आपको लाइट भी जो है ना, एनर्जी का ही एक फॉर्म है, ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा की तरह ही प्रकाश ऊर्जा भी ऊर्जा का एक रूप है। ये आपको प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है। प्रकाश जो है ना, अपने आप में क्या होता है, अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश के कारण ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश अपने आप में इनविजिबल होता है, लेकिन किसी भी वस्तु को विजिबल बनाने में आपको प्रकाश बहुत आपको हेल्प करता है। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहेंगे कि किसी वस्तु को देखने के लिए तो आंख की जरूरत होती है, तो आंख के साथ साथ आपको अगर लाइट नहीं रहेगा तो आप अपनी आंखों से सिर्फ और सिर्फ वस्तु को नहीं देख सकते हैं, अंधेरे में वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी वस्तु को विजिबल बनाने में आपको प्रकाश का रोल रहता है। तो हमने देखा कि प्रकाश अपने आप में इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, लेकिन अन्य वस्तुओं को ये दृश्यमान बनाता है। प्रकाश सीधी रेखा में आपको गमन करता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है ना, आपको स्ट्रेट लाइन के रूप में जो है ना, आपको ट्रेवल करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, अब प्रकाश की मैं बात करूं तो यह प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। प्रकाश कैसा बिहेवियर शो करता है, ड्यूअल बिहेवियर, द्वैत प्रकृति, मतलब आपको तरंग प्रकृति भी शो करता है और कण प्रकृति भी आपको प्रकाश शो करता है। मतलब प्रकाश जो है ना, द्वैत प्रकृति वाला है, ड्यूअल नेचर शो करता है। कभी कभी यह जो है ना, आपको तरंग की प्रकृति को शो करता है, कभी कभी यह जो है ना, आपको कण की प्रकृति को भी आपको शो करता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश इसमें लिखा हुआ है, कभी कभी तरंग के रूप में यह व्यवहार करता है और कभी कभी जो है आपको पार्टिकल के रूप में, कणों के रूप में भी यह व्यवहार करता है। हमारे पास एक और जो है ना लाइन है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगें होती है। प्रकाश कैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश कैसी तरंगें हैं, अनुप्रस्थ है। तो इसमें याद करने का ट्रिक भी है, प्रकाश इसमें भी पड़ा आ रहा है और अनुप्रस्थ में भी पड़ा आ रहा है। तो आपको प्रकाश कैसी तरंगें होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है, लेकिन ध्वनि ध्वनि आपको अनुदैर्य तरंग होती है। ध्वनि कैसी तरंगें होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। मतलब आपको प्रकाश में भी प्र आ रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, प्र और प्र, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। इसमें द ध, द और ध, तो इस तरह से ऐसे याद करना हूं आपको, लेकिन मैं तो ऐसे ही याद करता हूं, और किसी भी चीज को जो है ना, अपने तरीके से याद करना ज्यादा बेहतर होता है। तो ध्वनि कैसी तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे, द और ध से हमने याद कर लिया है, और प्रकाश कैसी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको प्रकाश की चाल को जो है ना, निर्वात में आपको एक और नोट तैयार किया है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब निर्वात मतलब वैकम, वैकम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यही जल की अगर बात करें तो जल में इसकी आपको चाल धीमी हो जाती है। सबसे ज्यादा आपको प्रकाश की चाल निर्वात में ही होती है, जल में प्रकाश की चाल आपको जो है ना घट जाती है। क्योंकि जैसे जैसे आपको जो है अपवर्तनांक बढ़ता है, जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है, तो प्रकाश की चाल क्या होती जाती है, घटते जाती है। तो आपको जल का अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, उससे भी ज्यादा किसका होता है, आपको कांच का, और कांच से भी ज्यादा किसका होता है, अपवर्तनांक हीरा का। हीरा का आपको 2.42 आपको अपवर्तनांक होता है। बाकी सारी चीजों का अपवर्तनांक हम लोग देखेंगे, इसका 1.5 होता है, तो हीरे का कितना होता है, 2.42 होता है। ये सब भी आपको बहुत जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जितने भी सवाल है वो सारे के सारे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, और जितने भी आने वाली परीक्षाएं उन सभी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, और आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वैसे अभ्यर्थी जो आपको इन सब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका आनंद उठा सकें, इसका लाभ उठा सकें। खैर, हम लोग बात करते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा निर्वात में ही प्रकाश का चाल होता है। फिर अब आपको उसके बाद जल में उसकी जो है ना, आपको चाल थोड़ी सी कम हो जाती है, और जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है उसमें उसकी आपको चाल सबसे कम हो जाती है। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। हमारे पास दृश्य प्रकाश का दैर्ध्यमान प्रसार होता है, जो दृश्य प्रकाश होता है, विजिबल लाइट,
विजिबल लाइट का जो है ना आपको प्रसार कितना होता है 250 से 850 नैनोमीटर के बीच होता है। आपको विजिबल लाइट का जो प्रसार होता है, जो दृश्य प्रकाश होता है, उसका प्रसार कितना होता है 250 से 850 नैनोमीटर के बीच होता है। आगे की ओर बात करते हैं, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रकाश की जो है ना आपको प्रकृति, आपको तरंग के साथ साथ कण का भी जो है ना आपको बिहेवियर शो करता है। तरंग के साथ साथ आपको कण का भी मतलब ड्यूअल नेचर शो करता है प्रकाश, आपको वेव के साथ साथ एक पार्टिकल नेचर भी शो करता है। आगे की ओर बात करते हैं, हमारे पास है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। तो आपको प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है, प्रकाश एक कॉस्मिक किरण, इलेक्ट्रॉन, प्रध्वनिक तरंग, सबसे ज्यादा आपको किसका वेग होता है प्रकाश का। ठीक है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है इसका वेग। प्रकाश का शून्य काल में वेग अनुमानता है, अभी जो हमने बताया शून्य काल, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को लिखा शून्य अवकाश, सॉरी मैंने शून्य काल बोल दिया, शून्य अवकाश मतलब शून्य अवकाश मतलब जहां पे जो है ना आपको शून्य हो, निर्वात हो, वैकम हो। शून्य अवकाश मतलब क्या होगा आपको, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में आपको प्रकाश की चाल कितनी होगी 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे आपको किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, सेम डेटा है लेकिन यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है, इसी को अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे आप तो 3×10^8 मीटर है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से मतलब 10^3 मतलब इसको जब ये आप करेंगे तो ये आपको जो है ना जब डिवाइड होता है सेम बेस वाला तो आपको पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, 8 में से 3 घटा देंगे, तो अगर किलोमीटर में होना होता तो 3×10^5 किलोमीटर पर सेकेंड आप प्रकाश का वेग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3×10^8 किलोमीटर है इसलिए भी क्या हो जाएगा गलत, 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड आपको प्रकाश का वेग होता है। आगे की ओर देखते हैं, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। तो प्रकाश का वेग हमने देखा अधिकतम आपको वैकम में होता है, निर्वात में होता है, शून्य अवकाश में होता है। आगे की ओर बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की गति जो है ना आपको किसके बीच से, जब कांच से जाएगा, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा कांच का, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है कांच का होता है, इसके कारण आपको प्रकाश का गति सबसे कम किस में होगा जिसका अपवर्तनांक क्या होगा सबसे ज्यादा, निर्वात ये तो आपको इसमें सबसे ज्यादा होता है आपको प्रकाश का गति, ठीक है, और आपको वायु, उसके बाद जल, उसके बाद सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है कांच का है, इसलिए आपको सबसे कम जो है ना गति आपको प्रकाश की किस में होगी कांच में होगी, सही उत्तर ये होगा। आगे की ओर हमारे पास क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक लगभग प्रकाश को पहुंचने में 8.3 मिनट लगता है, कितना लगता है 8.3 मिनट लगता है। आपके ऑप्शन में 8.3 मिनट कहीं पे भी नहीं है, लगभग 8 मिनट है तो 8 मिनट आप ऑप्शन लगा सकते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है, तो ऐसे अगर टोटल में बात करूं तो 499 सेकंड जो है ना पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है आपको प्रकाश को, पृथ्वी तक सूर्य से जो है ना पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 499 सेकंड लगता है। हमने देखा इसका उत्तर सही क्या होगा 8.3 मिनट, मतलब हमारे पास ऑप्शन 8 मिनट का है, इसलिए ये आंसर। हमारे पास अगला सवाल है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो वेरिएबल्स प्रभावित तो होते हैं वे हैं, मतलब जो प्रकाश तरंग जो है आपको कहां से जाती है कांच से, आपको वायु से कांच में जाती है, वायु से कहां पे जाती है कांच में जाती है, तो जो वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वो क्या होते हैं प्रभावित। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते थे कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपको चेंज नहीं होती है, ठीक है, चाहे किस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, आपको विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, आपको लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज नहीं होता है, वो वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो जिस जिस में आपको आवृत्ति है ऑप्शन में वो गलत हो जाएगा। हमने अभी बताया था कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग चेंज होता है, मतलब आपको जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, मतलब जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वैसे माध्यम में जाएगा, जैसे वायु से आपको हीरा में प्रकाश जाएगा तो आपको हीरे में जो है ना वायु प्रकाश का गति जो है ना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, इसके कारण मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, मतलब और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भी क्या होता है आपको चेंज होता है, तो जो वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज होते हैं प्रकाश में वो तरंग दैर्ध्य चेंज होता है और वेग चेंज होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वेरिएबल्स
जो है वो तरंगदैर्ध्य और वेग होगा, आवृत्ति प्रकाश की चेंज नहीं होती है, तो ठीक है हमारा उत्तर डी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा अपरिवर्तित रहता है। मैंने बताया कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेग जो है ना परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, उसकी तीव्रता भी जो है ना आपको परिवर्तित हो जाती है, तरंगदैर्ध्य भी परिवर्तित हो जाता है, आवृत्ति जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, उसका फ्रीक्वेंसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा आपको नहीं बदलता है, फिर से वही उत्तर आपको जो है ना क्या हो जाएगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो आपको उसका तरंगदैर्ध्य भी चेंज होगा, उसका अपवर्तनांक भी चेंज होगा, उसका वेग भी चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आवृत्ति उसका जो है ना चेंज नहीं होता है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। सभी माध्यम के जो है ना आपको हीरा का अपवर्तनांक अलग होता है, कांच का अपवर्तनांक अलग होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, तो सिंपल सी बात है, पहले सघन माध्यम में है मतलब उसका अपवर्तनांक ज्यादा है, और जब विरल माध्यम में जा रही है तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपको सघन माध्यम से किसमें जा रहा है, आपको विरल माध्यम में जा रहा है, तो प्रकाश का जो है ना आपको चाल बढ़ जाना चाहिए, प्रकाश का चाल क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले जो है ना आपको ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में है, हीरा से किसमें जा रहा है आपको, आपको वायु में जा रहा है मान लो, तो ये सघन है और ये क्या है, विरल है, तो ये सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जा रहा है तो आपको यहाँ पे जो है ना प्रकाश की गति जो है ना क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे जो है ना आपको वायु की जो है ना, जब वायु में इंटर करेगा, वायु वाले जो है ना मीडियम में इंटर करेगा, तो इसकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या होता है, आपको हीरा की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो इसकी जो है ना हमारे पास इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसकी चाल बढ़ जाती है, और जब सघन माध्यम से जो है ना आपको विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, आपको दूर हो जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपको ये है, आपको लाइट, ये आपको जो है ना लाइट आया ऐसे, ठीक है, तो ये अभिलंब है, ये अभिलंब इसको बोलते हैं अपन लोग, तो ये अभिलंब से क्या हो जाती है, आपको दूर हो जाती है, जब आपको क्या होगा सघन माध्यम में आए, क्या है सघन माध्यम में, तो सघन माध्यम से जो है ना आपको जब विरल माध्यम में जाती है, ये आपको अभिलंब हुआ, इसको बोलते हैं नॉर्मल भी बोलते हैं या अभिलंब भी बोलते हैं, जो आपको बोलना है। तो यहाँ पे जो है ना, जब यहाँ पे ये क्या है सघन माध्यम है, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, और ये है आपको रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम से किस में जा रहा है आपको लाइट, रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो ये आपको अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, तो इस तरह से जो है ना, और इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपको अभिलंब से दूर की हट जाती है, क्योंकि ये सघन माध्यम से किस में जा रही है, विरल माध्यम में। यही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता तो ये क्या हो जाता, अभिलंब की ओर मुड़ जाती, किधर की ओर मुड़ जाती, अभिलंब की, ये जो है ना ऐसे ना मुड़ के ऐसे चली जाती लाइन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, आप लोगों ने 10th 9th 8th सब में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। चलिए, तो निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो जब प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें आपको प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, मतलब प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में जो है ना आपको परिवर्तित होता है, किसमें आपको प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल जाता है, आपको रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण का, जो पौधे होते हैं वो अपने पत्तियों के द्वारा, तनों के द्वारा आपको क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं आपको पत्तियों के द्वारा, तो जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया होता है वो उन लोगों का भोजन बनाने का एक तरह से प्रक्रिया है, तो उसमें जो है ना प्रकाश क्या हो जाता है, आपको प्रकाश ऊर्जा से किसमें बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है, सजावट और विज्ञापन ये सब जो होता है ना एडवर्टाइजमेंट वगैरह और सजावट के लिए आपको नियोन गैस का प्रयोग होता है, किसमें आप कौन सा गैस का प्रयोग होता है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होता है आप लोगों ने देखा होगा कि जो एड वगैरह किए जाते हैं उसमें जो विसर्जन नलिका होता है, जो ट्यूब होता है उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो जब क्या होता है आपको साबुन के पतला झाग होता है तो उसमें चमकदार रंग जब बनता है, उस झाग में क्या होता है चमकदार रंग जब बनता है तो उसमें आपको बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण होता है,
ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावर्तन और व्यतिकरण। जब साबुन का जब हम लोग झाग बनाते हैं तो उसमें जो है ना आपको उसमें मतलब रंग बिरंग तरह का जो है ना चमकदार रंग देखने को मिलता है, तो किसके कारण मिलता है, व्यतिकरण और परावर्तन के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण और परावर्तन के कारण। ठीक है, अगर आपको केवल और केवल व्यतिकरण ऑप्शन में आएगा तो व्यतिकरण लगा दीजिएगा। ठीक है, तो व्यतिकरण और किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण आपको साबुन में जो है ना आपको झाग जो बनता है वो चमकदार दिखता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश जाता है। तो सबसे पहले बात जो है ना कि आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, इसके लिए आपको सघन माध्यम से किसमें जाना चाहिए, आपको विरल माध्यम में लाइट को जाना चाहिए। सघन माध्यम से किसमें, विरल माध्यम में, किसमें, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब आपको प्रकाश जाता है तभी पर प्रकाश का जो है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब सघन माध्यम से किसमें जाता है, आपको विरल माध्यम। सघन माध्यम होता क्या है भाई, तो आपको सघन माध्यम मान लिया हमने, जैसे हीरा ले लिया, क्या ले लिया, और नीचे क्या ले लिया हमने, कांच ले लिया। तो इस सघन माध्यम से किसमें जा रहा है, आपको विरल माध्यम में जा रहा है। हीरा का जो है ना अपवर्तनांक ज्यादा होता है, कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, ऐसे भी आप लोगों को पता है। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है लाइट तो आपको क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपके पास जरूरी है, ये बात जरूरी होना चाहिए कि वो लाइट जो है ना कहां से होना चाहिए, आपको सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपको जो है ना सघन माध्यम से, सघन से किसमें जाती है आपको लाइट, विरल माध्यम में जाती है। सघन से किसमें जाती है आपको, विरल माध्यम में जाती है। तो ये भी हमने बताया था, जब लाइट जो है ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है आपको, दूर हट जाती है। क्या हो जाती है आपको, अभिलंब से दूर हटती है। और विरल से सघन में जाएगी तो क्या हो जाएगा आपको, प्रकाश की जो लाइट है वो आपको अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, खैर ये सब बातें हम लोग और आगे करेंगे, हम लोग समझेंगे अच्छे से। लेकिन हमारे पास जो है ना अभी पूछा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब आपको हीरा से कांच में प्रकाश जाएगा, क्योंकि हीरा क्या है, सघन माध्यम, और कांच क्या है, विरल माध्यम। हीरा क्या है, सघन माध्यम, और कांच क्या है, विरल माध्यम। अच्छा, यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, जल से कांच में, तो ये तो खुद विरल माध्यम से किसमें जा रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है, विरल से किसमें जा रहा है। ठीक है, वायु से जल में, तो वायु ये भी क्या है, विरल से सघन में जा रहा है। वायु से कांच में, ये भी विरल से सघन में जा रहा है। तो आपको ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए जो है ना लाइट को किसमें जाना चाहिए आपको, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे ही डेंसर मीडियम से आपको रेयरर मीडियम में जो है ना आपको जाती है लाइट, आपतन कोण जो है ना आपको क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, और आपको जो अपवर्तित किरण है वो आपको सघन माध्यम में वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। ये जो अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण वापस जो है ना किसमें लौट जाता है, आपको सघन माध्यम में ही लौट जाता है, जिसे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया में फिर से बता दूं कि जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो आपको आपतन कोण होता है वो क्रांति कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिसके कारण अपवर्तित किरण जो है वो आपको वापस सघन माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोगों को फिर से मैं बता दूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब आपको सघन माध्यम से विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या है, हीरा, और कांच क्या है, विरल माध्यम। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, TIR। ठीक है, जो प्रकाश तंतु होता है जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक है, जिस सिद्धांत पे काम करता है उस सिद्धांत का नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे की ओर बात करते हैं, मृग मरीचिका, जिसको हम लोग मिराज बोलते हैं अंग्रेजी में, ये मृग मरीचिका जो है ना वो भी किस पे आपको काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे जो है ना आपको मृग मरीचिका, मतलब मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग तृष्णा, वही मृग मरीचिका भी लिख सकता है, मृग तृष्णा भी लिख सकता है। ये मिराज जो बनता है वो आपको जो है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आपको उदाहरण है। ठीक है, अब हमारे पास एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, ये जो कटा हुआ हीरा है वो भी किसके कारण जगमगाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कटा हुआ हीरा आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपको चमकता है। ठीक
किसी वस्तु के जो 3D प्रतिरूप को देखने की अगर बात की जाती है, तो जो 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है आपको? होलोग्राफी है। ठीक है, होलोग्राफी जो है ना एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें लेसर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी, लेसर जो किरणें होती हैं उसके द्वारा जो है ना आपको लेजर किरणें जिसको हम लोग बोलते हैं, तो लेजर किरणों द्वारा जो फोटोग्राफी की जाती है उसके द्वारा 3D चित्र बनाया जाता है। किसके द्वारा? लेसर रेज या लेजर रेज, लेजर किरणों द्वारा आपको 3D जो है ना आपको चित्र बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। तो किसी वस्तु का जो है ना 3D प्रतिरूप को जो बनाने की जो तकनीक है, वो 3D जो है ना आपको 3D में जो आप लोग को दिखाया जाता है चित्र, वो उस तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। आगे की ओर देखते हैं, 3D चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फिर से सेम क्वेश्चन, 3D चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 3D चित्र के लिए होलोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? जो इलेक्ट्रॉनिक पुंज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पुंज मतलब होता क्या है, देखिएगा ध्यान से समझें, जो इलेक्ट्रॉनों का जो आपको ग्रुप्स होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पुंज कहते हैं। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है आपको? रोस्टर स्कैन कहलाता है। रोस्टर स्कैन का जो प्रयोग होता है CRT में किया जाता है। किसमें किया जाता है? CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में होता है। रोस्टर स्कैन का प्रयोग किसमें किया जाता है आपको? CRT कैथोड रे ट्यूब में किया जाता है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज को जो है क्या किया जाता है? प्रक्षेपित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोस्टर स्कैन। ठीक है, हमारे पास किसी तारे का रंग आपको क्या दिखाता है? अगर किसी तारे का अगर जो है ना रंग जो दिखा रहा है, तो वो आपको उसका ताप दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? उस तारे का टेम्परेचर बता रहा है आपको। उस किसी भी तारे का रंग जो दिखाता है वो आपको वो उसका ताप दर्शाता है, उसका ताप दिखाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। जो प्रकाश जो विसरित होती है उसका कारण क्या है आपको? धूलकण। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य का प्रकाश जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणु तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। सिंपल सी बात है कि जब सूर्य का प्रकाश जो है ना विभिन्न रंगों का मिश्रण आपने पढ़ा ही होगा, बैनियाक बिनाला, जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है, एटमॉस्फेयर से होकर गुजरता है, तो मार्ग में जो कुछ भी हवा के अणु होते हैं आपको और धूल कण होते हैं, अन्य जो छोटी छोटी जो आपको सूक्ष्म कण होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, इसके द्वारा जो है ना प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, उसका विसरण होता है। तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या होता है आपको? धूल कण। आगे की ओर बात करते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? फिर से वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण, प्रकाश के विकिरण का कारण, प्रकाश के जो है ना प्रकीर्णन का कारण क्या है आपको? धूलकण है। आगे की ओर, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आपको इसके आयाम से, इसके तीव्रता से, इसके तरंग दैर्ध्य से। जो प्रकाश का रंग है वो उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है आपको? प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य से, उसके वेवलेंथ से आपको प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। उसके तरंग दैर्ध्य से, उसके वेवलेंथ से प्रकाश का रंग। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रकाश का रंग है, आप लोगों ने सभी जितने भी आपको भिन्न भिन्न रंग होते हैं उनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अलग अलग होता है। लाल रंग का जो है ना, जो आपने पढ़ा होगा वी यू या बैनियाक बिनाला भी इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैनी आ, आ, या बैनी, हम लोग तो ऐसे ही याद किए हैं, बिनाला, जिसमें आपको सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? ल आ रहा है। तो ये जो है आपको बेनिया पिनाला या बेजानी ह पिनाला भी बोलते हैं। तो जैसे भी आपको जो है ना याद करना है वैसे कर लीजिएगा। तो ये जो है ना आपको बेजानी ह पिनाला कर लीजिए, ये जो है ना स्टैंडर्ड है थोड़ा, इसको जो है विव यो या बेजानी ह पिनाला। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है आपको? लाल का। और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का। ठीक है, फिर जामुनी का जो है ना उससे ज्यादा होता है, फिर नीला का, हरा का, पीला का, फिर जो है ना आपको जो है ना नारंगी का, और फिर उसके बाद जो है ना लाल का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? मैंने अभी जस्ट बताया, लाल कलर का जो है ना आपको तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसीलिए जो है हम लोग जब जाते हैं सिग्नल पे लाल कलर के जो है ना आपको लाल तरंग, लाल कलर का जो है ना आपको तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जो है ना आपको सिग्नल के लाइटों में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपको? बैजानी, बैगनी। तो बैगनी जो है ना आपको जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? वायलेट। और ये आपको जो है ना रेड, रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? तो फिर से आपके पास वही क्वेश्चन, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है आपको? लाल का होता है। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो है ना आपको किसका होता है? बैगनी कलर का। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? बैगनी कलर का होता है। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी का, अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, ठीक है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? बैगनी का। और सबसे अधिक लाल का। अब हमारे पास दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य, वही फिर से सेम क्वेश्चन, बैगनी का जो है ना आपको तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। हमारे पास है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा नीले प्रकाश में होता है। जब भी आप लोग जो है ना देखे होंगे कि जब लाइटिंग वगैरह जो कुछ भी डांस वगैरह होता है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह, सब सारी चीजों में ब्लू लाइट का जो है ना आपको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें नीले कलर का जो है ना आपको प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होता है आपको? नीला कलर के आपको जो है ना लाइट में होता है, नीले प्रकाश में आपको सबसे अधिक ऊर्जा होता है, ठीक है। तो नीला कलर का जो है ना सबसे अधिकतम ऊर्जा होने के कारण उसका प्रयोग जो है हम लोग करते हैं, जो कुछ भी जो स्टेज शो होता है ये सब में आपको ब्लू कलर का प्रयोग किया जाता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय होने से पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है, थोड़ी थोड़ी लालिमा दिखाई देने लगती है, या सूर्यास्त होने के बाद तक, सूर्य अस्त हो जाने के बाद भी जो है ना आपको हमें सूर्य की लालिमा दिखाई देती है, तो उसका भी कारण क्या है आपको? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त मतलब जो है ना सूर्य के डूब जाने के बाद भी आपको क्या होता है? प्रकाश आपको जो है ना लालिमा दिखाई देती है। आपको सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है और आपको सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका कारण है इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, लाल रंग का जो है तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ट्रैफिक सिग्नल में हम लोग लाल रंग के प्रकाश का उपयोग करते हैं। आगे, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण है आपको नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है आपको? नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? आपको प्रकाश का सबसे जो नीला कलर का जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन होने के कारण हमारे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला रंग क्यों होता है? तो वही फिर से क्वेश्चन है आपके पास कि आकाश का रंग जो है ना आपको नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या है? वही क्वेश्चन कि आपको जो है ना जब आपको सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ये आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आपको लाल रंग का प्रतीत होता है। आगे, हमारे पास अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो वही प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ना आपको अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। लाल जो दिखाई देता है सूर्य सूर्यास्त के समय वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? जब ऊपर से देखते हैं हम लोग, अंतरिक्ष यात्री जो है आपको आकाश को देखता है तो उसको काला दिखाई देता है। वैसे आकाश का रंग जो है कैसा होता है? नीला होता है, ठीक है। नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना प्रकीर्णन आपको नीला रंग का होता है। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री या जो हवाई जहाज में जब ऊंचाई पे स्थित जो जब हवाई जहाज जब ऊंचे पे उड़ता है तो उसके बाद जो है ना ऊपर से अगर देखते हैं हम लोग तो आपको कैसा दिखाई देता है? आकाश का रंग काला दिखाई देता है। मतलब अंतरिक्ष यात्री को जो है ना आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला, ठीक है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है, वही ज्यादा ऊंचाई से जब वायुयान से आप लोग जो है ना फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं और आकाश को देखेंगे तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा? आपको काला आकाश दिखाई देगा, ठीक है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जो है ना नीला जो है ना आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ना आपको समुद्र, आकाश के परावर्तन के कारण और जो जल के कणों द्वारा प्रकाश का जो है ना आपको प्रकीर्णन के कारण जो है ना समुद्र कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन और उसके साथ साथ आपको जल के कणों द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसके द्वारा उसके कारण आपको समुद्र नीला दिखाई देता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है?
तो कोई कोई बोलेगा कि आपको जो है ना किसी से पूछिएगा तो बोलेगा कि अरे हरे हरा है तो हरा ही ना दिखेगा। नहीं, इसके पीछे कारण है कि हरे रंग हरा जो खास है उसका रंग हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंख पे परावर्तित करता है। कौन से रंग के प्रकाश को हमारी आंख पे परावर्तित करता है? हरे रंग के प्रकाश को जो है हमारी आंख पे परावर्तित करता है, इसलिए जो हरा घास है उसका रंग हरा दिखाई देता है। ठीक है। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव बी के बीच रखे गए बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच बिंब के प्रतिबिंब की प्रतिकृति क्या होगी। देखिए, सबसे पहले उत्तल दर्पण बना लीजिए, अनंत, सबसे पहले उत्तल दर्पण के जो है ना कोई भी दशा में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए उसका जो इमेज है वो आपको वस्तु से छोटा ही बनता है। सबसे पहले आप लोग को बता दूं, जब उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, तो आपको जो इमेज है कोई सी भी स्थिति में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखिए तो ऐसी स्थिति में वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु से क्या बनता है आपको? छोटा, उसके साथ साथ क्या बनता है आपको? सीधा बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है, आभासी इमेज बनता है। तो हमने बताया आपको कि जब उत्तल दर्पण की बात मैं करूंगा तो इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी आप रख लीजिए प्रत्येक दशा में आपको उसका जो इमेज है वो कहां पे बनेगा, तो सबसे पहला बात की जो है ना पोल और फोकस के बीच, किसके बीच? पोल और फोकस के बीच आपको इमेज बनेगा। किसके बीच बनेगा? पोल और फोकस के बीच इमेज बनेगा। हमेशा आपको जो है ना क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से क्या होगा उसका? आपको जो इमेज बनेगा, अगर वस्तु इतना बड़ा है तो आपको उसका इमेज इतना बड़ा बनेगा। आया समझ में? वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा और उसके साथ साथ आपको सीधा इमेज बनेगा। अगर ये वस्तु सीधा है तो ये वस्तु भी कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ऐसा नहीं कि आपको वस्तु ऐसा है तो आपको उसका इमेज ऐसा उल्टा बनेगा, नहीं। ठीक है, वस्तु सीधा है मतलब वस्तु का इमेज सीधा बनेगा, अगर वस्तु ऐसा है तो उसका इमेज भी आपको कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। कहने का अर्थ यह है कि उत्तल दर्पण में आपको हमेशा आपको जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा, वो आभासी बनेगा और उसके साथ साथ आपको सीधा बनेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में जो है ना जब अनंत पे जो है रखा गया है तथा दर्पण के पी के बीच जो है ना आपको बिंब को रखा गया है तो प्रतिबिंब की प्रकृति सबसे पहला बात वास्तविक बनेगा क्या? नहीं। वास्तविक बनेगा क्या? नहीं। ठीक है, आभासी बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए, उल्टा बनेगा क्या? नहीं। तो आभासी और सीधा पहले नहीं, आभासी और सीधा बनेगा वो भी वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशा का प्रयोग किया जाता है? जब कार में जो है ना हम लोग कार का ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग सीट के जो है ना जस्ट आपको बाजू में राइट हैंड साइड पे और जो है ना उसके जो लेफ्ट साइड पे जो कार के ड्राइवर के बगल में बैठते हैं तो दोनों तरफ जो है ना आपको कांच लगा होता है जो पीछे के जो वाहन है उसको देखने के लिए। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आपको जिस प्रकार के शीशा का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण आप लोग ऐसे भी देखिए ना, उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? छोटा। जब हम लोग जो है कार में बैठे हुए होते हैं तो जो पीछे वाला जो कार होता है या पीछे वाली जो कुछ भी आपको जो है ना ट्रक हो या जो कुछ भी इमेज हो वो आपको जो है ना छोटा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। तो हम लोग देखेंगे कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है आपको? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वस्तुएं क्या होती हैं आपको? छोटी दिखाई देती हैं। सिंपल सी बात है, आपको वस्तुएं क्या होती हैं आपको? चाहे बाइक से ही जा रहे हैं तो वस्तुएं जो है ना आपको जो कार पीछे से आ रही होती है, जो कुछ भी वाहन पीछे से आ रहा होता है वो क्या दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। और उत्तल दर्पण में कैसा इमेज बनता है? छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, आभासी बनता है और उसके साथ साथ सीधा इमेज बनता है। ठीक है, कार ऐसा तो नहीं है कि आपको उल्टा हुआ दिखाई देता है, नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपको पीछे की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहन में वही पीछे से पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो पीछे के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यही दाढ़ी जो बनाने वाला जो आपको दर्पण होता है, ठीक है, जब हम लोग सेविंग कराने जाते हैं सैलून में तो जो सैलून में आपको जो सेविंग कराने वाला जो दर्पण होता है वो आपको अवतल होता है, वो क्या करता है? थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है जिसके कारण जो है ना आपको सेविंग करने में क्या होती है? आसानी होती है। ठीक है, तो आपको जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो आपको गाड़ियां होती हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया आपके सामने, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। ठीक है, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, वस्तु छोटा दिखाई दे रहा है उसमें तो उत्तल, उत्तल जो है ना तीन वर्ड का है, तीन अक्षर का है, सॉरी
तीन अक्षर का है तो ये जो है ना छोटा है, अवतल मतलब बड़ा देखना है हम लोग को, क्या देखना है बड़ा देखना है, तो बड़ा देखने के लिए जो है ना हम लोग को सेविंग जो है ना बड़ा दिखेगा तभी तो उसको काटने में आसानी होगा, आ रहा है समझ में। तो इस तरह से हम लोग को ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सेविंग के लिए जो है ना बड़ा जो है ना आपको दर्पण मतलब अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब हम लोग कार में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो कौन सा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पीछे की वस्तु को देखने के लिए। जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनाने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, अरे सिंपल सी बात है, ये तो आप लोग जो है ना घर पे भी कर सकते हैं। एक जो है ना हमने प्लेन मिरर लिया, ये दूसरा प्लेन मिरर लिया, और बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई वस्तु रख दिया, ठीक है, हमने क्या रख दिया, कोई वस्तु रख दिया, तो देखिए हमने वस्तु रख दिया, इसके जो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी, बनने वाली इमेजों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, ठीक है। जब दो समतल दर्पण को आपस में समांतर करके पैरेलल रख देते हैं और उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो आपको इसके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो दो समांतर दर्पण रखा हमने, उन समांतर दर्पण के बीच जो है ना समतल दर्पण होना चाहिए, कौन सा दर्पण होना चाहिए, जो प्लेन मिरर होता है जो हम लोग घर में जो है ना चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उन दर्पण के बीच जो है ना आपको रख दीजिएगा कोई ऑब्जेक्ट एकदम बिल्कुल पैरेलल रख के, और उसमें जो है ना आपको बनने वाली इमेजों की संख्या क्या होगी, आपको अनंत होगी। आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर घर पे भी कर सकते हो। आगे की ओर बात करते हैं, तो हमारे पास आज इतना ही, ठीक है, हम लोग बाद में फिर से कभी जब साइंस का जो है ना 2 से 3 दिन बाद आएगा, अभी ज्योग्राफी को कंटिन्यू कर रहे हैं, या हो सकता है कि जो है ना आपको कल भी साइंस को जो है ना आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ज्योग्राफी और साइंस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर से पॉलिटी पे आ जाएंगे और इस तरह से हमारा सीरीज चलता रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, शुरू से अंत तक देखने के क्रम में जो कुछ भी अभ्यर्थी ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, धन्यवाद।